पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। देश भर के जिला मुख्यालयों पर आज वीएचपी और बजरंग दल इस्लामी कट्टरपंथियों के बढ़ते चरमपंथ और हिंसक घटनाओं के खिलाफ धरना देंगे। जिला मुख्यालयों में एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया जाएगा, जबकि दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन दिया जाएगा। वीएचपी की मांग है कि उन मस्जिदों और मदरसों की कड़ी निगरानी की जाए जहां 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा की भीड़ निकली थी। हम जो है इन सारे इस्लामिक जिहादियों, उपद्रवियों, देशद्रोहियों और देश के ऊपर अनाचार करने वाले लोगों को एक संदेश देने के लिए और सभी राष्ट्रवादी शक्तियों को एकत्र करके हम एक शांतिपूर्ण धरना आयोजित करेंगे और धरने के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर के अपना मांग पत्र सौंपेंगे कि जिस तरह का वातावरण देश में विषाक्त वातावरण बनाने की तैयारी चल रही है, जिस प्रकार मस्जिद जो कि जिसको कहते हैं अल्लाह का घर है या इबादत का स्थान है, वहाँ से निकलने वाले लोग जो है ना पत्थरबाज क्यों हो जाते हैं, उस पर निगरानी रखी जाए। कुछ जिहादी तंजीमें हैं जो कि बार बार देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, उन पर कहीं अंकुश लगे और जिस प्रकार से हिंदू धर्मस्थलों को, हिंदू त्योहारों को और हिंदू शोभा यात्राओं को जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।